गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। आई हीना परमार फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट EVS, चैप्टर 14, फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। आज मैं आपको चैप्टर 14, फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स की वर्कशीट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्लीज़ लिसन केयरफुली। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1, These plants cannot stand straight, sharp fibers. इसमें से कौन से प्लांट स्ट्रेट नहीं रह सकते? तो सब और क्लाइमर्स, तो आंसर है क्लाइंबर्स। सेकेंड, दीज आर शॉर्टर प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स समटाइम्स, तो ऑप्शन है सब्स एंड क्रीपर्स, तो आंसर है सब्स। 3, दीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, जो बिग है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो क्लाइंबर्स एंड ट्रीज, तो आंसर है ट्रीज। 4, दीज प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे होते, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, तो आंसर है क्रीपर्स। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। अब मैं ऑप्शन बताने जा रही हूँ। TREE ट्री, सेकेंड है COOO कॉटन, थर्ड है THRONS थ्रॉन्स, फोर्थ में है COOL कूल एंड FRESH फ्रेश, SHRUB सब, WOOD वुड एंड लास्ट में है GRAINS ग्रेन्स। 1 नंबर, प्लांट्स हेल्प कीप द एयर, प्लांट्स एयर को कैसे रखते हैं? तो कूल एंड फ्रेश। 1 नंबर में क्या आंसर आएगा? कूल एंड फ्रेश, प्लांट हेल्प कीप द एयर कूल एंड फ्रेश, प्लांट एयर को कूल एंड फ्रेश रखने में हेल्प करता है। 2, अ ब्लैंक इज अ स्मॉल प्लांट, अ ब्लैंक इज अ स्मॉल प्लांट, तो स्मॉल प्लांट कौन सा है? सब, SHRUB सब, तो अ सब इज अ स्मॉल प्लांट। 3, वी गेट ब्लैंक फ्रॉम ट्रीज टू मेक टेबल्स एंड चेयर्स, हमें ट्री के पास से टेबल एंड चेयर बनाने के लिए क्या मिलता है? तो WOOD वुड, वुड मीन्स लकड़ी, तो वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज टू मेक टेबल्स एंड चेयर्स। 4, प्लांट गिव अस ब्लैंक टू मेक क्लोथिस, क्लोथिस बनाने के लिए हमें प्लांट क्या देते हैं? तो कॉटन, COOO कॉटन, प्लांट गिव अस कॉटन टू मेक क्लोथिस। 5, सम सब्स ऑल्सो हैव ब्लैंक, सम सब ऑल्सो हैव ब्लैंक्स, तो आंसर होगा थ्रॉन्स, थ्रॉन्स मीन्स कांटे, सम सब्स ऑल्सो हैव थ्रॉन्स। 6, अ ब्लैंक लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल तक रहता है, तो कौन रहता है? ट्रीज, अ ट्रीज लिव्स फॉर मैनी ईयर्स। 7, वी गेट ब्लैंक फ्रॉम ट्रीज टू मेक अ टेबल, टेबल बनाने के लिए हमें क्या मिलता है ट्री के पास से? तो वुड। क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग। 1 नंबर में WOOD वुड, सेकेंड में है COOO कॉटन, 3 में है NEEM नीम, और 4 नंबर में है CLIMBR क्लाइंबर। अब कॉलम बी में देखते हैं, सामने ए है OAK ऑक, बी में है MONEY मनी, PLANT प्लांट मनी प्लांट, सी में है COOO कॉटन, PLANT प्लांट कॉटन प्लांट, और डी में है TREE ट्री, तो वुड, वुड हमें कहाँ से मिलता है? ट्री से, तो 1 नंबर को हम कहाँ मैच करेंगे? डी के साथ, कहाँ मैच करेंगे? डी के साथ मैच करते हैं, तो वुड हमें कहाँ से मिलेगा? ट्री से, तो 1 नंबर को हमने डी के साथ मैच कर दिया। अब कॉटन, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है?
कॉटन प्लांट से। कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। तो हमने टू नंबर को सी के साथ मैच कर दिया। अब नीम, नीम क्या है? ट्री है। नीम क्या है? ट्री। तो थ्री नंबर को हम डी के साथ मैच करेंगे। फोर क्लाइंबर, तो क्लाइंबर क्या है? ऑक। तो उसको हम ए के साथ मैच करते हैं। अब क्वेश्चन फोर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वन नंबर, व्हाट आर ट्रीज? व्हाट आर ट्रीज? ट्रीज हम किसको बोलते हैं, या तो ट्रीज हम किसको कहते हैं? आंसर, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बिग भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। और वो बहुत साल तक रहता है। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर शब्स? शब्स किसको बोलते हैं? आंसर, सम प्लांट्स आर मच शॉर्टर देन ट्रीज, दे आर कॉल्ड शब्स। सम प्लांट्स आर मच शॉर्टर देन ट्रीज, दे आर कॉल्ड शब्स। जो प्लांट्स ट्री से थोड़े छोटे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? शब्स। जो प्लांट्स ट्री से थोड़े छोटे हैं, शॉर्टर है, उसे हम क्या बोलेंगे? शब्स। क्वेश्चन थ्री, व्हाट आर हॉप्स? हॉप्स किसको कहते हैं? तो सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल विद सॉफ्ट स्टेम्स, दे आर कॉल्ड हॉप्स। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल विद सॉफ्ट स्टेम्स, दे आर कॉल्ड हॉप्स। जो प्लांट्स बहुत ही छोटे और उसकी स्टेम भी कैसी होती है? सॉफ्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉप्स। जो प्लांट्स बहुत ही छोटे हैं और उसकी स्टेम भी सॉफ्ट होती है उसे हम बोलते हैं हॉप्स। क्वेश्चन फोर, व्हाट आर क्लाइंबर्स? व्हाट आर क्लाइंबर्स? आंसर, सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कई प्लांट्स ऐसे हैं कि वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, स्ट्रेट नहीं रह सकते। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, उसे ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट जरूरी है, उसे ऊपर जाने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। क्वेश्चन फाइव, व्हाट आर क्रीपर्स? व्हाट आर क्रीपर्स? सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। कई प्लांट ऐसे हैं जो ग्राउंड पे ग्रो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। एग्जाम्पल है वाटरमेलन। तो कई प्लांट ऐसे होते हैं कि ग्राउंड पे ग्रो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। क्वेश्चन सिक्स, राइट एनी टू यूजेस ऑफ प्लांट्स? राइट एनी टू यूजेस ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के दो यूज बताना है हमें। तो आंसर है, वन, प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड कूल। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड कूल। प्लांट एयर को कैसे रखते हैं? फ्रेश और कूल रखते हैं। और सेकेंड है, प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल देते हैं। अब लर्न एंड राइट हार्ड वर्ड्स, आपको ये हार्ड वर्ड्स लिखने भी है और लर्न भी करने हैं। strong, स्ट्रॉन्ग, thick, थीक, woody, वूडी, trunk, ट्रॉन्ग, trees, ट्रीस, oake, ऑक, pal, पीपल, BANYAN, बेनियान,
SHRUB sob. BUSHES busies. GROUND ground. BEAUTIFUL beautiful. HERBS hops. STRAIGAT straight. SUPPORT support. CLIMBRS climbers. GRAPEWINE grapevine. CREPERS creepers. WATRMELON watermelon. PUMPKIN pumpkin. बच्चों आपको समझ में आया होगा कि प्लांट्स किसे बोलते, सॉप किसे बोलते, हर्ब्स किसे बोलते, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स किसे बोलते और प्लांट्स हमें कैसे यूज़फुल है। तो आपको अब प्लांट भी ग्रो करना है, हमें इससे क्या मोरल मिलता है कि हमें प्लांट्स ग्रो करना है। करोगे ना? अच्छा चलो बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।